राजस्थान के राजसमंद जिले के उसरव गांव में लगभग 5 या 6 सालों से हेडपंप से आने वाले पानी पीने से लोगों के दांत में दिक्कत होती है, पर इस समस्या पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। आइए जानते इस वीडियो के माध्यम से पानी से होने वाली समस्या के बारे में। हमारे गांव में ये समस्या है कि बहुत लोगों के दांत बहुत पीले होते हैं। यहाँ पर पानी बहुत खराब है। यहाँ पर मैं डॉक्टर के पास में गई थी, मेरे दांत बताने के लिए, बहुत पीले हो रहे मेरे दांत। तो डॉक्टर ने बोला कि आपके दांत पीले नहीं है, आपके तो पानी की समस्या है। यहाँ पर जहाँ आप रहते हो उस गांव में, वहाँ पर पानी बहुत खराब है। अच्छा, ये बताइए कि ये इस पानी पीने से आपको क्या समस्या होती है? पानी पीने से ये समस्या होती है, दांत पीले होते और बीमार होते लोग, इसको खांसी होती है, किसको जुकाम होता है, बुखार होता है, इसलिए बहुत बीमारी होती है। ये समस्या तो 5 से 7 साल हो गए और 200-300 लोग रहते हमारे गांव में, सबके दांत पीले, 200-300 लोग रहते उसके सबके दांत पीले। हमारे गांव में कम से कम 5-6 हेडपम्प है और 3-4 ट्यूबवेल है, और ऐसे 4-5 हेडपम्प में से खारा पानी आता है, ट्यूबवेल में भी खारा पानी आता है। उससे कारण से हमारे पानी की समस्या एक तरफ से बहुत गंभीर समस्या है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़े औरतें हैं, बूढ़े जवान लड़के, छोटे लड़के, जैसे आने वाली पीढ़ी, उसको गंभीर समस्या लेकर ये वीडियो माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे कोई सरकार के पास कोई दवा हो, उसका कोई कुछ उपाय हो तो हमें ज़रूर बतावे, और ज़रूर हमारे गांव में आके सरपंच से मिले, पंचायत से मिले, जो उससे हमारे दांत पीले ना पड़े और ये हमें गंभीर समस्या से हमें बचाए। ये लोग अगर यही पानी पीते रहे तो आने वाले समय में ये समस्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकती है। इस समस्या को जल्दी से जल्दी दूर करें ताकि लोगों को पानी पीने से ये समस्या दोबारा ना हो। मैं शंभू राजस्थान के राजसमंद जिले के उसरव गांव से इंडिया अनहट के लिए।